दी चैनल ऑफ यूकेआईसी ऑफिशियल। मैं डिंबल कच्ची। और यहाँ पे हम लोग बीए के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4, जहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि भाई यहाँ पे कौन कौन सी आगे चीज़ें होने वाली है। यहाँ पे हम लोग प्रोफेशन और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट डिस्कस करने वाले हैं। हमारे एंड्रॉयड और iOS दोनों में हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल है, सो यू डोंट हैव टू वरी। अगर आपको कुछ भी गो थ्रू करना है, नोट्स में से गो थ्रू करना है, तो आप यहाँ पे जाके अपनी नोट्स वहाँ पे आप जो भी आप लोगों को नोट डाउन करना है वो आप वहाँ पे कर सकते हो। साथ साथ में अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। और अगर आप ये लेक्चर बहुत ध्यान से देख रहे हो तो यू हैव टू राइट लवली, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे आप लोगों ने ये लेक्चर देख लिया है। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बिज़नेस के बारे में। हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है, बेसिकली जो 3 पार्ट थे वो उसमें से एक क्लियर हो गया है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं प्रोफेशन के बारे में। भाई प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती है, वो किस हिसाब से होता है। यहाँ पर अगर हम लोग प्रोफेशन की डेफिनेशन की बात करें तो ये कुछ इस हिसाब से है। अ पर्सन विद अ स्पेशलाइज स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग और उसके साथ साथ में प्रोफेशनल एजुकेशन। ये 4 चीज़ें अगर आपके साथ है तो आप कुछ भी कोई भी प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर के लिए यहाँ पे उसकी स्पेशलाइज स्किल चाहिए, ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं यूट्यूब में से देख देख के मैं सर्जरी सीख जाऊँगा, भाई तो पूरी दुनिया ऐसे ही चलती, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर क्या होता है कि उसकी आपको स्पेशल स्किल्स चाहिए, उसका प्रॉपर नॉलेज, साथ साथ में उसका क्वालिफिकेशन भी लेना उतना ही ज़रूरी है। ट्रेनिंग इज दी मस्ट, ठीक है। अगर आप लोगों ने, भाई डॉक्टर है तो डॉक्टर को पता होना चाहिए कि किस हिसाब से उसका कैंची का यूज़ करना है, ठीक है, मतलब कहाँ पे उसका कट होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आता है प्रोफेशनल एजुकेशन, जो फील्ड से वो बिलोंग करते हैं उसका उसको डिटेल डिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है। इसे बोला जाता है प्रोफेशन। जैसे हम लोग बात करें प्रोफेशन में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती है, जैसे डॉक्टर, CA, CS, लॉयर्स, ठीक है, ये बहुत सारे फील्ड है जो यहाँ पे प्रोफेशन की फील्ड में आते हैं। प्रोफेशन कई बार ऐसा होता है कि वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी भी है, साथ साथ में ऐसा भी होता है कि वो डिपेंडेंट एक्टिविटी भी हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकती है। अब ये मैंने क्यों बोला, भाई प्रोफेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप खुद का भी क्लिनिक, फॉर एग्जांपल डॉक्टर है तो वो खुद का भी क्लिनिक कर सकते हैं, साथ साथ में अगर उसको कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना है तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि भाई मंडे थर्सडे ये डॉक्टर्स वहाँ पे मिलते हैं और उसके अलावा डॉक्टर यहाँ पे मिलते हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकती है और अपने आप मतलब डिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट एक्टिविटी को कंसिडर किया जाता है। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ होती है कि कई बार आप लोगों को फ़ीस है वो सर्टेन केसेस में नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आपके पास कुछ ऐसे यू नो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग आ जाते हैं कि जिसके पास पूरे पैसे भी नहीं होते पर फिर भी उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ फ़ीस आपको रिसीव ना हो, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, हाँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है, वो कुछ भी चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो जिस हिसाब से हम लोगों के लॉज होते हैं उस हिसाब से दे हैव टू फॉलो। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफ़ेक्टिव हो उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स के क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से, जहां पे क्वेश्चंस है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है जो हम यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहां पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करने हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है, जहाँ पे MCQs, वन लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसे होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और
और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स हमारी जो अकाउंट स्टेटी को भी ये मेन फोर सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4,100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन फोर सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4,100 में मिलने वाली है। YouTube पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। उसके बाद जैसे हम लोग बात करें, यहाँ पे आता है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट का सिंपल मीनिंग होता है टू डू जॉब, ठीक है। जहाँ पे हम लोग बात करें कि इट इज़ एन कंसिडर एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। जहाँ पे हम लोग बात करें कि उसके रिटर्न में यू आर रिसीविंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे हम लोग बोले फिक्स सैलरी या फिर वेजेस के तौर पे आपको मिलता है, जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है या फिर आप परमानेंट होते हो। अब जैसे हम लोग बात करें द डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस, तो सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो सैलरी है वो आप लोगों को फिक्स होता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है वो आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मिलता है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें वेजेस के बारे में, ठीक है, वेजेस के बारे में, तो वेजेस यहाँ पे ऐसा होता है कि वो आपको पर डे मिलता है, ठीक है। जैसे वर्कर्स होते हैं तो वर्कर्स वो रिसीव करते हैं, अगर वो काम के लिए जाते हैं तो उसको उस दिन का रेट मिलता है, और अगर वो नहीं जाते तो उस दिन का उसको नहीं मिलता। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप सैलरी के वो दायरे में अगर आप फिट होते हो तो सैलरी मिलती है, और अगर आपको वेजेस के वहाँ पे आते हो तो आपको वेजेस मिलता है। यहाँ पे ऐसा है कि भाई ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट इज़ कंसिडर एज अ डिपेंडेंट एक्टिविटी, ये डिपेंडेंट एक्टिविटी है, ठीक है। अगर आप कहीं पे जाते नहीं हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, ये टोटली यहाँ पे कुछ भी ऑनरशिप का टाइटल आपके पास नहीं होता। यहाँ पे आप जॉब करने के लिए जाते हो तो जिस हिसाब से आप जॉब करते हो उस हिसाब से आपको अपनी सैलरी या फिर वेजेस मिलता है। यहाँ पे ऐसा होता है कि आपका जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट है उस हिसाब से आपको अपना काम करना रहता है, और उसके वर्किंग आवर्स और वगैरह वगैरह जो भी है वो यू हैव टू फॉलो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस आता है ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपके कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, उसके साथ साथ में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। जैसे हम लोग बात करें, सबसे पहला है बिजनेस, उसके बाद आता है प्रोफेशन, और उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हम लोग बात करें कि नेचर ऑफ वर्क, सबसे पहले यू हैव टू राइट मीनिंग, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क, तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, और उसके बदले में यू आर रिसीविंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। यहाँ पे प्रोफेशनल एंड बिजनेस सर्विसेज करते हैं, इसके बदले में आपको फीस मिलती है, और यहाँ पे आप जो भी वर्क करते हो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन, आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। बिजनेस में एज सच नो क्वालिफिकेशन, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो उसके रिलेटेड प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इट इज़ मस्ट। और यहाँ पे एज पर द जॉब, आप लोगों की जॉब जो इस हिसाब से जॉब है वहाँ पे उस हिसाब से आपको अपना क्वालिफिकेशन लेना होगा। उसके बाद रिवॉर्ड ऑफ रिटर्न, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट कंसिडर करते हैं बिजनेस में जो भी रिसीव होता है, यहाँ पे जो भी रिसीव होता है उसको हम लोग फीस में कंसिडर करते हैं, और यहाँ पे आता है सैलरी एंड वेजेस। आगे हम लोग बात करें कैपिटल, तो जैसे कैपिटल है वो एज पर द टाइप ऑफ द बिजनेस, मतलब जिस हिसाब से आपका बिजनेस है, बिजनेस अगर बड़ा है तो यू नीड ह्यूज कैपिटल, अगर बिजनेस आपका छोटा है तो उस हिसाब से। यहाँ पे हम लोग बात करें लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप अपना क्लिनिक स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको बहुत ही छोटी कैपिटल चाहिए, और यहाँ पे तो कोई कैपिटल होता ही नहीं बिकॉज यू आर डूइंग जॉब, ठीक है, इसलिए। उसके बाद हम लोग आगे बात करें तो रिस्क, तो ऑफकोर्स यहाँ पे ऐसा होता है कि कई बार आपको प्रॉफिट भी रिकवर होता है, कई बार लॉस भी ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे ऐसा है डी रिस्क ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ सर्टेन फीस, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके पास बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग आते हैं जिसको आपको फ्री में ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि सर्टेन केस में आपको वो फीस नहीं मिलती। और यहाँ पे कुछ ऐसा रिस्क नहीं होता, अगर आपकी फिक्स सैलरी है तो कोई टेंशन ही नहीं है, अगर आप वेजेस पे हो तो आप जाते हो तो मिलता है, नहीं जाते हो तो इस हिसाब से।
कोड ऑफ कंडक्ट की जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे लीगल प्रोविजंस को यू हैव टू फॉलो एज पर द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस या फिर बॉडी, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, जिस हिसाब से उन लोगों की बॉडी काम करती है उस हिसाब से दे हैव टू फॉलो, और यहाँ पे एज पर द एग्रीमेंट। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप कैन बी पॉसिबल, बिजनेस में कोई भी बैठ सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग लोगों की अलग अलग स्पेशलाइज स्किल्स होती है इस हिसाब से, और यहाँ पे कोई ऑनरशिप का टाइटल ही नहीं होता। यहाँ पे आप लोगों का लेक्चर नंबर 4 है, दैट इज़ गोइंग टू एन एंड। मिलते हैं हम लोग हमारे लास्ट लेक्चर में ऑफ चैप्टर नंबर 1। टिल देन, बाय बाय।